हेलो हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आ चुका हूँ। तुम सबका मेरा और फेवरेट मॉब बैटल, वो बनाना इजी भी होता है। और शुरुआत में हम सारे सस्ते मॉब बता देंगे, जैसे कि ये वार्डन, विंडिकेटर, और एंड तक होंगे हमारे पास सबसे खतरनाक मॉब्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक वार्डन से। और हमारे सामने प्रतिद्वंदी होंगे इसके विंडिकेटर और भाई साहब कुछ कर ले, भाग गया, देखते ही भाग गया भाई इसको। हेलो, देख पीछे, और ये वार्डन अपना पहली चाल चलते हुए और विंडिकेटर गायब। अब लगता है पूरी सेना बुलानी पड़ेगी। ओके, अब देखना पड़ेगा। एक वार्डन और नाना कम से कम करके 25 विंडिकेटर भाई साहब। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और ये विंडिकेटर भाई कैसा लग रहा है तुम लोगों को? पीछे ही भाग गया भाई वार्डन दिक्की। एक वार्डन दिक्की, 25 विंडिकेटर नहीं हरा पा रहे इसको। लगता है अभी भाई दूसरों को हमको चांस देना पड़ेगा। ये एक वार्डन इन सब पे भारी है, मैदान छोड़ के भाग गए सब। स्पॉन हो जाओ भाई, इन सब की पहले से ही स्पॉन तक नहीं हो रहे, इतने डर गए क्या भाई साहब? यहाँ पे होल हो गया लेकिन इनमें से कोई स्पॉन नहीं हुआ। तो इस फर्स्ट राउंड का तो हमारे पास क्लियर विनर है वार्डन। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की ओर। सी स्कॉर्पियन, इससे कुछ नहीं था, इसने विंडिकेटरों को तो कुछ नहीं किया और वार्डन भी इसको कुछ नहीं कर रहा क्या? साइज देख कर डर गया क्या इसका? और वार्डन पीछे से कुछ कहना चाहेगा? मेरे पास आओ, ठक 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 ठक। वार्डन ने तो भाई सही में इसकी ढक्की टिकी कर दी। अब बस देखना ये जीतेगा कौन। देख लो वार्डन भाई, मैं होता तो मैं तो ना सहता। एक और वार्डन और एक और सी स्कॉर्पियन ला देते, देखते ये लोग क्या करते हैं। आपस में सी स्कॉर्पियन लड़ लेंगे या आपस में वार्डन लड़ लेंगे या टीम बना के एक दूसरे को मारेंगे। दो वार्डन ने एक को तो लपेट दिया है, अभी बस एक को लपेटना बाकी है और वो दूसरा तो ध्यान ही नहीं दे रहा भाई। चिरकुट है, क्या करूं मैं इसका? बीच में विंडिकेटर आया था और बेचारा हलवा गया। कोई ना, सभी बाबा गाली लिया जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। सी स्कॉर्पियन को तो खत्म कर दिया लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है और इसके लिए भाई सही में अब लग रहा है कोई वार्डन से लड़ सकता है। दोनों को मार रहा है एक, पहले भाई उसका ध्यान से पहले एक वार्डन पे पहले एक खत्म करूंगा, तब तक दूसरा वार्डन उसको मार रहा है। इसकी हेल्प के लिए अपन एक और ले लेके आते हैं। अब देखते हैं ये किसको मारता है। ओके, अभी तक तो ये वार्डन को मार रहा है, मॉन्स्टर की हेल्प कर रहा है। एक सेकंड, ये अचानक से ये क्या होने लगा भाई? इसको उठा के पटक दिया क्या? क्या रहा है भाई साहब? अचानक से ये वार्डन की जगह इस मॉन्स्टर को ही मारने लगा। और एक वार्डन तो खत्म हो चुका है और एक लास्ट बाकी, और ये कैसे मार रहा है भाई? पत्ते निकाल के मार रहा है भाई, नया मॉन्स्टर देखा मैंने तो। ये देखो, ये अपना सींग घुसा रहा है वार्डन के पीछे भाई, उसको नहीं लगेगी सींग से इतने से। ये भाई साहब क्लियर विनर है अपने पास ये मॉन्स्टर। लेकिन अभी अपने पास और भी बहुत सारे लोग हैं, टेंशन मत लो तुम। यार पुलिस की गाड़ी यहाँ पे क्या करेगी? ये लोग उठा के फेंक देंगे। जेलीफिश देखे क्या कर सकती है। एक सेकंड, इसको डैमेज भी नहीं हो रही है, इसको डैमेज भी नहीं कर रही है। लगता है कुछ और लाना पड़ेगा इनके बीच में जो कि इनसे ज्यादा खतरनाक हो। और हाँ, चेंसो मैन अभी बाकी, तो अब इनको डैमेज मिल रहा है तो अब ये लड़ेंगे। यार ये मक्खी, ये मक्खी इससे सबसे अच्छा कंपटीशन दे रही है इसको। और मक्खी थी तो पिचक गई। कोई ना, थोड़े बहुत और जेली ला देते अपन। और ये एक भाई, यार ये सॉर्ड वाला मैन मारेगा इनको। है भले पिद्दी था इसके सामने पर मार जबरदस्त रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसकी आर्मी बना के इस पे
लड़वाया जाए भाई, पिछले दो राउंड का विनर है ये। और अब ये एक्स मैन भी आ चुके हैं इसके पास। ये मारा भाई जो पलट पलट के मार रहा है। और ये सब, अरे पॉपी ये क्या, ये पॉपी दोनों ऐसे क्यों स्टैचू बन के खड़े है, लड़ो भाई। इनको लड़ना ही नहीं है, पैसा ही नहीं मिलेगा इनको, पगार काट देंगे। चल भाई साहब पूरी आर्मी खत्म हो चुकी है इसकी, पत्ते फेंक के खतरनाक मारता है। अभी आने वाला है तुम सबका और मेरा फेवरेट चेनसो मैन, और अब वो देखते हैं इसकी क्या हालत करता है। ये खड़ा, ओ भाई साहब चेनसो मैन ने जो आते ही खतरनाक काम तमाम कर दिया इसका, और उन एक्स मैनों का तो पूछो ही नहीं भाई, उनको भी खत्म कर दिया है। अब देखिए ये स्कल डॉग इसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस ये तो हड्डियां काट डाली एक सेकंड में। तो ये पॉपी, ये रहा पॉपी आ चुका है, और एक सेकंड इन्होंने चेनसो मैन लपेट दिया क्या, एक और ला दे। दो पॉपी और एक चेनसो मैन, एक सेकंड का काम था। ये चेनसो मैन यहाँ पे किसने लपटा हुआ रखा है, ये सो रहा है बीच में, रुको एक ये आर्मी डालते हैं इनके बीच में, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। भाई साहब पूरी आर्मी खत्म, तीन चेनसो मैन हो चुके हैं यहाँ पे। अब थोड़े खतरनाक खतरनाक लाने पड़ेंगे मॉब तो मजा आएगा। भाई तीन चेनसो मैन ने उन खतरनाक मॉब को पूरा कर दिया, तो तुम लोग तब तक इन तीन स्कॉर्पियन से लड़ो, तुम्हारे लिए तब तक अच्छे मॉब्स तो मैं लेके आता हूँ। एक से काम हो जाएगा क्या इनका, एक ये तीन स्कॉर्पियन देखते हैं, तीन चेनसो मैन और चार ये क्या कर लेंगे इनका। एक मक्खी भी डाल देते, इनको कौन डैमेज दे रहा है, दोनों चेनसो मैन यहाँ है तो वहां पे एक और चेनसो मैन है क्या। हाँ वो एक चेनसो मैन इन तीनों को अकेले का डैमेज दे रहा है। अरे एक सेकंड, ये चेनसो मैन से नॉर्मल मैन क्यों बन गए दोनों, अरे उधर जाके लड़ो, वो भी तो देखो पीछे देखो थोड़ा, काम करो सुस्तो, और किस चीज का मिलता है तुमको। कोई ना, इस राउंड के विनर है चेनसो मैन, और अभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं थोड़े नवे लोगों को लेके आया था। बहुत हो गया आराम बॉयज, अभी काम पे चलो। फ्लाइंग ड्रोन, ओके अब ये उड़ सकता है, तो चेनसो मैन की कमजोरी है यहाँ पे उड़ नहीं सकते। लायन जेलीफिश, ये सही है, अब मैं आया। दो सी मॉन्स्टर है, ओके ये स्वॉर्ड मैन सही, ये एक्स मैन सही है भाई, एक ही सेकंड में खत्म हो गया, उसमें सही था। ये लोग तो वेपन को भी नहीं छोड़ रहे, वेपन भी काट दे रहे। अब ये ड्रोन इन पे हमला कर रहा है, और ये बस ऊपर देखते रह रहे हैं कि हम ऊपर जाए तो जाए कैसे, लेकिन इनको कुछ कर ही नहीं पा रहा है यार, ये लोग उड़ नहीं सकते इसीलिए। हम कुछ और डाल देते हैं इनके बीच में, एक जेलीफिश डाल देते हैं, इसको भी कुछ नहीं कर रहे, इसको कुछ करो। स्कैमर, इसका तो नाम ही स्कैमर है, फाइट करेगा नहीं करेगा, ओके अभी अब मजा आ रहा है इनको देखने में। चलो चलो और कुछ पड़ा है अपने पास, एक और चीज डाल देते हैं लास्ट की, फिर बाकी का आगे के पार्ट्स में देखेंगे, और खतरनाक मॉब्स लाएंगे अपन। ओह भाई साहब ये लग रहा है पावरफुल, मुझे ऐसा लगा था चेनसो मैन से मिलने से पहले, इसमें भी कुछ नहीं था। एक और बीच में डाल देते, मेरे को क्या है एक सेकंड में खत्म ही तो कर देते, काट दिया एक सेकंड में उसको। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।